जातीय जनगणना को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है उसका हम सम्मान करते हैं। माननीय न्यायालय के फैसले पर तो कोई टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती। नमस्कार, मैंने आप देखे फर्स्ट बिहार। पटना हाई कोर्ट ने बिहार में हो रहे जातीय अंतर्गत गणना पर रोक लगा दिया है। जी हाँ, अब तक जितने भी डेटा कलेक्ट किए गए हैं उसे संरक्षित रखने की बात कही गई है। हम आपको बताते चले कि बिहार में जो जातीय अंतर्गत गणना हो रही थी इस पर आज पटना हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और ये फैसला सुनाते हुए फिलहाल जातीय गणना पर रोक लगा दी। हम आपको बताते चले इसके साथ साथ जो इसकी अगली सुनवाई है वो 3 जुलाई को होगी। तब तक जातीय अंतर्गत जो गणना है वो बंद रहेगा। हम आपको बताते चले कि दरअसल कुछ याचिकाकर्ताओं ने बिहार के अंदर हो रहे जातीय अंतर्गत गणना पर रोक लगाने के लिए पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन इस पर फैसला नहीं आ रहा था, जिसके बाद वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया कि ये मामला पटना का है, यानी कि ये मामला बिहार का है, राज्य सरकार का है, तो इस पर पटना हाई कोर्ट फैसला सुनाएगी। जिसके बाद लगातार इस पर जो है चर्चा हो रही थी कि बिहार में जातीय अंतर्गत जो गणना है इस पर पटना हाईकोर्ट फैसला सुनाएगी, और आज पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया कि बिहार के अंदर हो रहे जातीय आधारित गणना पर रोक लगा दिया। हम आपको बताते चले इस पर जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव चाहते थे कि बिहार में जातीय आधारित गणना हो। इस पर सर्वदलीय बैठक की गई थी और उस वक्त एनडीए की सरकार थी, लेकिन अब जो है वो बिल्कुल ही पलड़ा अलग हो गया है, यानी कि अब जो है महागठबंधन की सरकार है। और इसके बाद लगातार सभी नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। हम आपको बता दें कि बीजेपी ने कहा कि सरकार अपनी तरफ से जो दलील है वो पेश नहीं कर पाई, सरकार अपना पक्ष नहीं रख पाई, इस वजह से बिहार के अंदर हो रहे जातीय आधारित गणना पर रोक लगा दिया गया। तो वहीं पर आरजेडी ने इस पर स्टैंड लेते हुए कहा है कि जो हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है उसका सम्मान करती है आरजेडी, और हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ये कहते नजर आए हैं कि सरकार ने अपना पक्ष रखा, लेकिन जो हाईकोर्ट का फैसला है वो सर्वोपरि है और उसे माना जाएगा, और इसकी जो अगली सुनवाई है वो 3 जुलाई को होगी और उस वक्त भी सरकार अपना पक्ष रखेगी। फिलहाल जो हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आया है उसका आरजेडी समर्थन कर रही है, यानी कि उसका जो है आरजेडी सम्मान कर रही है। तमाम बातें मृत्युंजय तिवारी कहते नजर आए, आप सुनिए कि मृत्युंजय तिवारी ने क्या कुछ कहा है। जातीय जनगणना को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है उसका हम सम्मान करते हैं। माननीय न्यायालय के फैसले पर तो कोई टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती है, लेकिन जो अगली तिथि दी गई है उसमें अंतिम फैसला होगा तो देखा जाएगा। सरकार ने अपना पक्ष रखा और जातीय जनगणना क्यों जरूरी है ये भी सरकार ने बताया, लेकिन माननीय न्यायालय के फैसले का हम सम्मान करते हैं और आगे जो भी होगा सरकार अपना पक्ष रखेगी। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।